गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, हम क्लास 7 की महाभारत पढ़ रहे थे। अब हम अगला चैप्टर अज्ञातवास पढ़ेंगे। हमने देखा कि पिछले में जो है युधिष्ठिर और अर्जुन सलाह मशवरा कर रहे थे कि हमें अज्ञातवास कौन से राज्य में काटना चाहिए, तो मत्स्य नरेश के यहाँ काटने की बात हुई। सब अपना अपना भेष बदल कर राजा विराट के यहाँ चाकरी यानी नौकरी करने लग गए, तो विराट ने उन्हें अपना नौकर बनाकर रखना उचित ना समझा। हर एक के बारे में उनका यही विचार था कि ये तो राज करने योग्य महसूस होते हैं। मन में शक तो हुआ, पर पांडवों के बहुत आग्रह करने और विश्वास दिलाने पर राजा ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया। पांडव जो है अपनी अपनी पसंद के कामों पर नियुक्त कर लिए गए। युधिष्ठिर कंक के नाम से विराट के दरबारी बन गए और राजा के साथ चौपट खेल कर दिन बिताने लगे। भीमसेन वल्लभ के नाम से रसियों का मुखिया बनकर रहने लगा। वो कभी कभी मशहूर पहलवानों से कुश्ती लड़कर या हिंसक जंतुओं को वश में करके राजा का दिल बहलाया करता था। अर्जुन जो था औरत के वेश में ब्रह्मला के नाम से अर्जुन जो थे औरत के वेश में ब्रह्मला के नाम से रनवास की स्त्रियों यानी रानियों के निवास की औरतें, खासकर विराट की कन्या उत्तरा और उसकी सहेलियों और दास दासियों को नाच और गाना बजाने सिखना लेने लगे। नकुल जो थे ग्रंथिक के नाम से घोड़ों को ठीक करने, उनकी बीमारियों का इलाज करने, उनकी देखभाल करने में अपनी चतुरता का परिचय देते हुए राजा को खुश करते थे। सहदेव जो थे तंतीपाल के रूप में गाय बैलों की देखभाल करते थे। पांचाल राजा की पुत्री जो द्रौपदी थी, जिसकी सेवा टहल के लिए कितनी दासियां रहती थी, अब अपनी पतियों की प्रतिज्ञा पूरी करने हेतु दूसरी रानी की आज्ञाकारिणी दासी बन गई। विराट की पत्नी सुदेशना को सेवा सुहर्स करती हुई रनवास में सरेंद्री के नाम से काम करने लगी। अब जो रानी सुदेशना का भाई कीचक था, वो बड़ा ही बलशाली और प्रतापी था। मत्स्य देश की सेना का वही नायक बना हुआ था और अपने कुल के लोगों को साथ लेकर कीचक ने बूढ़े विराट राज की शक्ति और सत्ता में खूब बढ़ोतरी भी कर दी थी। कीचक की धाक लोगों पर जमी हुई थी। लोग कहा करते थे कि मत्स्य देश का राजा तो कीचक है, विराट नहीं। यहाँ तक कि खुद विराट भी जो था कीचक से डरा करता था और उसका कहा मानता था। जब से पांडवों के 12 बरस के वनवास की अवधि पूरी हुई थी, तभी से जो दुर्योधन के गुप्तचर पांडवों की खोज करते फिरते थे। इन्हीं दिनों हस्तिनापुर में कीचक के मारे जाने की खबर फैल गई। ये खबर पाते ही दुर्योधन का माथा ठनका कि हो ना हो कीचक का वध भीम ने ही किया होगा। ये दुर्योधन का अनुमान था। उसने अपना ये विचार राजसभा में प्रकट करते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि पांडव विराट के नगर में ही छिपे हुए हैं। मुझे तो यही ठीक लगता है कि मत्स्य देश पर हमला कर देना चाहिए। यदि पांडव वहां होंगे तो जरूर विराट की तरफ से हमारे लड़ने आएंगे। यदि हम अज्ञातवास की अवधि पूरी होने से पहले उनका पता लगा लेंगे तो शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्ष के लिए दोबारा से वनवास जाना होगा। यदि पांडव के विराट के यहाँ न भी हुए तो भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारे तो दोनों हाथों में ही लड्डू है। दुर्योधन की ये बात सुनकर त्रिग्रत देश का राजा सुशर्मा उठा और बोला, राजन, मत्स्य देश के राजा विराट मेरे भी शत्रु हैं। कीचक ने भी मुझे बहुत तंग किया था। इस अवसर का लाभ उठाकर मैं उससे अपना पुराना बैर भी चुका लेना चाहता हूँ। कर्ण ने सुशर्मा की बात का अनुमोदन किया। फिर सबकी राय में ये पक्का किया गया कि विराट के राज्य पर राजा सुशर्मा दक्षिण की ओर से हमला करेंगे। जब विराट अपनी सेना लेकर उसका मुकाबला करने जाएं, तब ठीक उसी मौके पर उत्तर की ओर से दुर्योधन जो है अपनी सेना लेकर अचानक विराट नगर की छापा मार दे। इस योजना के अनुसार राजा सुशर्मा ने दक्षिण की ओर से मत्स्य देश पर आक्रमण कर दिया। मत्स्य देश के दक्षिणी हिस्से पर त्रिंगत राजा की सेना छा गई और गाय के झुंड सुशर्मा की सेना के कब्जे में आ गई। कंक जो था युधिष्ठिर ने विराट को तसल्ली देते हुए कहा, राजन, चिंता मत करो, मैं भी अस्त्र विद्या सीखा हुआ हूँ। मैंने सोचा है आपका जो रसोईया वल्लभ, अशुपाल, ग्रंथिक और तंतिकाल भी बड़े कुशल योद्धा हैं। मैं कवच पहनकर रथारूढ़ होकर युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा। आप भी उनके आज्ञा दे कि रथारूढ़ होकर मेरे साथ चले। सबके लिए रथ और शास्त्रार्थ की आज्ञा दीजिए।
ये सुनकर तो विराट बड़ा खुश हो गया। उनको आज्ञानुसार चारों वीरों के लिए रथ तैयार होकर आ खड़े हो गए। अर्जुन को छोड़कर बाकी चारों पांडव उस पर चढ़कर विराट और उसकी सेना समेत सुशर्मा से लड़ने चले गए। राजा सुशर्मा और विराट की सेनाओं में घोर युद्ध हुआ। जब राजा विराट बंदी बना लिए गए तो उनकी सारी सेना इधर उधर हो गई, सैनिक भागने लग गए। ये हाल देखकर युधिष्ठिर भीमसेन से बोले, भीम, विराट को अभी छुड़ा कर लाना होगा और सुशर्मा का घमंड चूर करना होगा। यदि तुम सदा की तरह सिंह की सी गरज करने लग जाओ तो शत्रु तुम्हें तुरंत पहचान लेंगे। इसलिए आम लोगों की तरह रथ पर बैठकर और धनुष के बाण के सहारे लड़ना ही ठीक होगा। आज्ञा मानकर भीमसेन रथ पर से ही सुशर्मा की सेना पर बाणों की बौछार करने लग गया। थोड़ी देर की लड़ाई के बाद भीम ने विराट को छुड़ा लिया और सुशर्मा को कैद कर लिया। सुशर्मा के पराजय की खबर जब विराट नगर पहुंची तो नगर वालों ने नगर को खूब सजाकर आनंद मनाया और विजयी राजा विराट के स्वागत के लिए शहर के बाहर चल पड़े। इधर नगर के लोग विजय की खुशियां मना रहे थे और राजा का इंतजार कर रहे थे तो उधर उत्तर की ओर से दुर्योधन ने तबाही मचा दी। राजकुमार उत्तर तो बिल्कुल डर गया था और कांप रहा था। उसने ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मा मुझे बचाओ इस संकट से, मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगा। इस प्रकार राजकुमार उत्तर को भयभीत और घबराया हुआ जानकर ब्रह्मा ने उसे समझाते हुए और उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, राजकुमार घबराओ नहीं, तुम तो सिर्फ थोड़ी ही की साइस जो है घोड़ों की रास संभाल लेना। इतना कहकर अर्जुन ने उत्तर को सारथी के स्थान पर बैठा दिया और रास उसके हाथ में पकड़ा दी। राजकुमार ने रास पकड़ ली। आचार्य द्रोण ये सारी चीजें दूर से देख रहे थे। उनको यकीन हो गया था कि वो अर्जुन ही है। उन्होंने ये बात हिसारे से भीष्म को जता भी दी। ये चर्चा सुनकर जो है दुर्योधन कर्ण से बोला, हमें इस बात से क्या मतलब कि ये औरत के वेश में कौन है। मान ले कि ये अर्जुन ही है, फिर भी हमारा तो उससे काम ही बनता है। शर्त के अनुसार उन्हें और 12 बरस का वनवास भुगतना पड़ेगा। अर्जुन ने कौरव सेना के सामने रथ ला खड़ा किया। उसने गांडीव संभाल लिया और उस पर डोरी चढ़ाकर 3 बार जोर से टंकार की। कौरव सेना जो थी टंकार ध्वनि से सचेत होने पर भी नहीं हो पाई कि अर्जुन ने खड़े होकर शंख की ध्वनि की, जिससे कौरव सेना थर्रा उठी। इससे खलबली मच गई कि पांडव आ गए।